आप लोग भी 3D मैप्स देखना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे YouTube के ऊपर एड्स आजकल चल रहे हैं, Facebook के ऊपर और दीगर एप्लीकेशंस के ऊपर एड चल रहे हैं कि 3D मैप दिखा रहे होते हैं कि आप इस तरह का अगर मैप देखना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वो बहुत सारी एप्लीकेशंस जो अपनी उन्होंने बनाई हुई है वो बताते हैं और आप लोग उनको इंस्टॉल भी कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा आपके लिए रिस्क फैक्टर है क्योंकि वो आपका डाटा हैक कर सकते हैं, IDs हैक कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप लोगों ने उससे बच के रहना है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा ऐसा ऐप यूज़ करना है जिसके थ्रू आप 3D जो है मैप देख सकते हैं और ऐसा देख सकते हैं जैसे रियल लाइफ में आप देख रहे होते हैं। इस तरह की जो है वीडियो फॉर्म के अंदर आपको मैप नजर आना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं टॉप फॉर मी यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों ने गूगल अर्थ नाम की एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, अगर नहीं भी दे सका तो आपने प्ले स्टोर से जाके गूगल अर्थ लिखना है तो आपके सामने गोल मैप बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की एप्लीकेशन होगी अर्थ नाम की। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे और मैं अगर यहां पर अपनी लोकेशन देता हूं इसको, तो यहां पर चले मैं एग्जैक्टली यहां पर आपको लोकेशन नहीं दिखा सकता अपनी, बहरहाल मैं जिस भी जगह की लोकेशन यहां पर अब इस तरह करता हूं ना तो आप 3D नहीं नजर आएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, यहां पर ये 2D का मैप ही नजर आएगा, लेकिन वो 3D में आप कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर पीछे मार्गला हिल्स है मेरे करीब ही, अगर मैं मार्गला हिल्स की तरफ आता हूँ और यहाँ से मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पर ये 3D फॉर्म में मुझे नज़र आ जाएंगी। लेकिन अब पाकिस्तान का 90% मैप ऐसा है जो कि 2D के अंदर है, 10% वो भी बहुत जो रेयर जगह हैं जो कि 3D में आती हैं। अब ये जो मैप दिखा रहे होते हैं, असल में आपने एक चीज़ गौर की होगी कि ये आउट ऑफ कंट्रीज़ यानी कि UK, USA, कनाडा, इन ममालिक के जो मैप है ना, असल में आपको वो दिखा रहे होते हैं। अब मैं यहाँ पे किसी भी उस कंट्री के मैप के ऊपर आ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ बल्कि लीड्स, ये इंग्लैंड के अंदर आता है। और इंग्लैंड के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर लीड्स को जब मैं क्रॉस यहाँ से करके और मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैप जितना मैं जूम करूँ उतना ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है। अब मैं और जूम करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्डिंग्स मुझे क्लियर नजर आना शुरू हो गई हैं। अब मजे की चीज आपको दिखाऊं, यहां से मैं ऐसे करता हूं ना, ठीक है, दोनों फिंगर्स के साथ ऐसे, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको पूरा का पूरा नक्शा ऐसा नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जैसे आप रियल लाइफ में चीज़ को देख रहे होते हैं तरीके से आपको नज़र आ जाएगा। मतलब बहुत एडवांस लेवल में ये मैप जो है वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको मैप पे दिखा रहे होते हैं, एड्स वगैरह आ रहे होते हैं, ये सब फेक है और बराए मेहरबानी इन ऐप्स को ना इंस्टॉल करें। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड को करनी भी है इस काम के लिए तो आप गूगल अर्थ इंस्टॉल करें, क्योंकि ये गूगल की ऑफिशियली जो है लॉन्च की हुई एप्लीकेशन है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को 3D मैप से रिलेटेड वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।